यमुना नदी में बाढ़ की वजह से दिल्ली में मची तबाही पर घड़ियाली आंसू बहा रहे अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारी संबंधी शीर्ष समिति की गत दो साल में एक भी बैठक बुलाई ही नहीं। इस समिति के अध्यक्ष खुद केजरीवाल ही हैं और जब दिल्ली में तबाही मच गई तो इधर उधर की बातें करने लगे। जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई तो तुरंत केजरीवाल सरकार ने फिर से कहानी बनाना शुरू कर दिया और कहा बाढ़ की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में 9 मई को बैठक हुई थी। उसने ये भी कहा कि उचित प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ नियंत्रण आदेश जारी किया गया था। दिल्ली राजनिवास के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी बाढ़ आदेश आधे अधूरे थे। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा, सिफारिश, पर्यवेक्षण और समन्वय करने वाली शीर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल जून के अंत में होने वाली समिति की अनिवार्य बैठक की अनुमति नहीं दी, जबकि राजस्व विभाग ने इससे संबंधित फाइल 19 जून को भेजी थी। पिछले साल भी केजरीवाल ने ये बैठक नहीं होने दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, दिल्ली के सांसद, आम आदमी पार्टी के 4 विधायक और मुख्य सचिव के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय सेना के जीओसी और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जैसे सदस्य अन्य हितधारक शामिल हैं। स्थिति की समीक्षा करने के और हर साल बाढ़ नियंत्रण आदेश पारित करने के लिए मानसून की शुरुआत से पहले जून के अंत में किसी भी तारीख को बैठक करने का प्रावधान है। शीर्ष समिति खतरों और अनुमानों को ध्यान में रखती है। बारिश और बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए तैयारियों का आकलन करती है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सहित विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच एक सटीक समन्वय तंत्र सुनिश्चित करती है। राजनिवास सूत्रों के मुताबिक मंडलायुक्त, जो समिति के संयोजक भी हैं, ने 21 जून को मुख्यमंत्री केजरीवाल से तारीख और समय बताने का अनुरोध किया था। राजस्व मंत्री आतिशी के माध्यम से ये फाइल मुख्यमंत्री को सौंपी गई। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि फाइल 26 जून को आतिशी को इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है कि माननीय मंत्री राजस्व शीर्ष समिति की बैठक बुलाएं, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। सूत्रों ने दावा किया कि उनके विभागीय ओएसडी ने संभागीय आयुक्त को बाढ़ नियंत्रण आदेश 2023 जारी करने के लिए 30 जून को शाम 6:30 पर प्रमुख सचिव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जिलाधिकारी पूर्व दिल्ली और अन्य अधिकारियों के साथ उनके सम्मेलन कक्ष में एक संक्षिप्त बैठक करने का निर्देश दिया। आरोप है कि आतिशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में CWC के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, MCD आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड के CEO और कई अन्य महत्वपूर्ण हितधारक अनुपस्थित रहे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आतिशी ने उनकी बैठक में मौजूद रहने के लिए उन्हें नहीं कहा। उन्होंने बताया कि इसके बाद 6 जुलाई को बैठक हुई और मुख्य हितधारकों को विश्वास में लिए बिना एक आधा अधूरा बाढ़ नियंत्रण आदेश जारी कर दिया गया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।